फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी लेके आ रही हूँ और ये रेमेडी है रिंकल्स के लिए। अब हम एज को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसे हम लोग रेमेडी जो घर की होम रेमेडी होती है ना फ्रेंड्स, अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम तक हम रिंकल्स को डिले कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो है फ्रेंड्स और छोटी सी रेमेडी है, और जो रेमेडी में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे आराम से, तो कहीं पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। मैं हूँ दविंदर सल, आप सबका अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे को मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक के पैसे तो नहीं मिलते हैं, पर मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि रिंकल्स के बारे में, कि रिंकल्स को अब हम रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ टाइम तक डिले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है तीन चीज़ें। फर्स्ट है एप्पल, सेकंड है हनी और थर्ड है बनाना। बस तीन आपको चीज़ें चाहिए फ्रेंड्स। जो एप्पल होता है फ्रेंड्स, इसमें विटामिन, मिनरल, मतलब बहुत जैसी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को टाइट रखने में मदद करता है, बल्कि हमारी स्किन में ग्लो भी लाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये एंटी एजिंग को रोकते हैं, यानी कि, और साथ में अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है यानी कि आपको पिमाटेशन की प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स उसे भी एप्पल ये ख़त्म करता है। तो ये एप्पल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड है फ्रेंड्स बनाना। बनाना में विटामिन ई, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही, मतलब जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको बना के रखता है। ये बनाना बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, हमारी एंटी एजिंग के लिए भी अच्छा है और साथ में हमारे फेस पर ग्लो भी लाता है, स्किन को ये टाइट भी करता है। अगर हम अपने स्किन पर बनाना को, इसका जो फेस पैक है इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारी स्किन में सॉफ्ट और स्मूथ भी हमारी स्किन को रखता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको भी ये बहुत ही अच्छा, मतलब उसमें उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है बनाना। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो रेमेडी हमने यूज़ करनी है वो है बनाना। थर्ड है फ्रेंड्स हनी। हनी जो होता है ये हमारी स्किन को अंदर से बिल्कुल गहराई से मॉइस्चराइज करने का काम करता है, यानी कि अगर हमारी स्किन में नमी चली गई है तो ये हमारी स्किन में नमी को वापस लाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है। डिहाइड्रेट अगर आपकी स्किन हो गई है तो उसे हाइड्रेट करता है। और ये शहद जो होता है ये आपके अगर पिंपल्स के दाग हैं या अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स उनको भी ये साथ में ख़त्म करता है और एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। आपको तीनों का पैक कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने आधा एप्पल लेना है, हाफ एप्पल, उसको छील लीजिए और उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। चाहे आप मिक्सी में कर सकते हैं मैश, चाहे आप हाथ से, या फिर आप उसे जो कद्दूकस होता है उससे आप भी कद्दूकस करके, मतलब छील सकते हैं वैसे करके, वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसी से उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। और आधा बनाना लेना है, आधा बनाना इसमें डालिए और एक चम्मच हनी का डालिए। बस ये तीनों चीज़ें आपको मिक्स करनी है और इनको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करिए। अगर आप हफ्ते में इसको तीन बार यानी कि चार बार भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिट आपको रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। बस आपने इसको 10-15 मिनट अपने फेस पर लगा कर रखना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।